इन द किचन ऑन ऑन द द द इन धूप धूप तो नहीं आ रही है और मैं यहाँ बैठी ठीठी हुई सी बैठ जाती हूँ जब किसी जगह पे मैं तो बैठी रहती हूँ बैठी रहती हूँ बैठी रहती है तो ये यही हाल है रसोई में आई थी कप्पू का फोन आया था वीडियो कॉल बात करी यहाँ बैठ के फिर वीडियो एडिट करने लग दी और पिछले एक घंटे से यहाँ बैठी हूँ और वो बाहर से आई थी हमारे पाड़ोसर तो वो आके बोली अभी तक यहाँ बैठे हो है एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों यहाँ पर स्कूटी है ना आज तो इसकी चाबी वाला जो लॉक है ना ये भी नहीं खुल रहा देखो मतलब इसमें इतनी ख़राबियाँ हैं एक तो इसमें ना बैंड आया हुआ है जो पकड़ते हैं ना इसको आगे से यहाँ पता नहीं कहाँ तो आ, एक तरफ भागती रहती है मेरे तो आदत हो गई मेरे नहीं भागती कोई दूसरा चलाता है तो एक तरफ भागती है और अभी ये लॉक खुलेगा कि नहीं खुलेगा ऐसा तो कभी नहीं है आज पता नहीं क्यों हो रहा है और और भी बहुत सारी परेशानी अभी अभी बैटरी डलवा के लाई हूँ पहले मतलब दो महीने पहले और बैटरी डलवाई थी तो अभी तो चेंज करवाई थी और इसका बिल मेरे पास है नहीं तो हो सकता है कि मुझे पूरे पैसे देने पड़े वापस और बहुत सारी ख़राबियाँ क्या क्या बताऊँ इसके मतलब पता नहीं कभी कभी खुड़ 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 बजती है तो ये थी मेरी स्कूटी की दुख भरी कहानी जो कि एक दुखियारी मेरे साथ रहती है इस बच्चे से वीकनेस जाती नहीं है शरीर कमज़ोर कमज़ोर सा है बुखार एक बार उतरा आज थोड़ा सा असर और हो गया इसके को कीड़ा हुआ। ये कोई मच्छर उड़ के गिर गया लगता चलो छोड़ो और ये दवाई अभी बेच मतलब एक दिन दो दिन बुखार उतर जाता है दवाई हम बीच में छोड़ देते हैं हम भी छोड़ देते हैं बच्चे भी छोड़ देते, देते हैं सब एक जैसे होते हैं पकड़ो उसको धोके लाती हूँ ढक्कन को इसमें चींटिया कबड्डी खेल रही और इसमें एक मच्छर खो खो खेल रहा है और दिव्या सो रही है कुछ नहीं खेल रही तेजस के फेवरेट आज अनार आई है रोज कहते हैं अनार लाओ मामा अनार लाओ मामा अनार लाओ आज मैं अनार ले आई हूँ और अभी पुलाव बना रही हूँ दिव्या के फेवरेट उसने ऑर्डर दिया कि पुलाव बनाओ आज उसने दोपहर को खाना खाया नहीं अभी थोड़ा 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 सा शायद बुखार है कि थोड़ा शरीर गर्म लग रहा है तो पुलाव बनाती हूँ मेहनत करके बहुत ही बढ़िया वाले और मम्मी निकाल रही है अनार आराम से नीचे बैठ चल बिछाने पे बैठ के लगा निकाल हाँ तू जब इंकन लता कता कर नहीं देखा बिल्कुल उसकी तबीयत भी सही नहीं है फोन देखा सच बता पड़ा वो ठीक रहा क्या है खराब तो है चलो तो आलू भी ले लेते हैं मिर्च डालेंगे मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं मटर किस में मैगी में और पुलाव में बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को और टमाटर भी डालने पड़ेंगे और प्याज प्याज कहाँ गए प्याज इधर बैठे हैं तो ये लाल प्याज बना हैं अब बनाते हैं फटाफट ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ पता है मैं ये कर रही हूँ कि जो सबसे ऊपर यहाँ स्लैब है एक स्लैब क्या मतलब इस तरह की सेल्फ तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पर अगर फ़ोन को रख दूँ ना ट्राईपोर्ड में देन लगा के तो पूरी रसोई का फोटो वीडियो आएगा लेकिन यार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर रखने के बाद जहाँ पर काम कर रहे हैं ना जिस लैब पे रख के रसोई का वहाँ से तो मैं दिखती ही नहीं हूँ तो थोड़ा मैंने ट्राई किया तो यहाँ दूर खड़ी रहूँगी तो दिखूँगी वरना दिखूँगी नहीं तो इस तरह ये तो बना ही नहीं मतलब कि अगर फ्रीज हो ना रसोई में तो फिर बात बन सकती है और इसके अलावा हाँ पहले मैं रखती थी उस रसोई में उसमें मेरा ट्राईपोर्ड था लंबा सा आठ फीट से भी ज़्यादा लंबा तो उस ट्राईपोर्ड पर रखती थी जिसमें आ, क्या कहते हैं वो रिंग लाइट भी लगी हुई थी लेकिन अब चलो ऐसे ही चलाते हैं तो मैं नीचे लेकर आ गई हूँ ट्राईपोर्ड सहित फ़ोन को और अब यहाँ पर दूध एक साइड कट रहा था वो तो मैंने अभी बंद कर दिया है और बहुत सारी बहुत सारी सब्जियां डाल के पुलाव बना रही हूँ दिव्या ने बोला अभी पुलाव बनाओ मेरे खाने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है तो सब्जियां जो भी घर पर थी मटर मुझे मटर बहुत पसंद है मतलब मटर तो पुलाव में बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसमें मैगी में अभी बड़ी ज़्यादा पसंद है मेरे को और अभी मेरे आगरे का पेड़ा मैं कह रही थी कल कि मेरे एक पीस बचा लेकिन एक और बच गया मुझे लगा ये बच्चे खा लेंगे तो इसको भी अभी फिनिश कर देती हूँ और ये किससे बनते हैं पता नहीं इसमें बीज है कद्दू से बनते हैं का आ, ये अपना होता है ना तरबूज इससे बनते हैं का लौकी से बनते हैं पता नहीं किससे बनते हैं और अभी जो है प्याज काटेंगे हरी मिर्च काटेंगे और वो छील लेंगे नमक नमक छीलने के बाद आलू सब कुछ प्याज वगैरह सब तैयार करने के बाद पुलाव के तड़का लगा के मैं अंदर जाके अपना काम करूँ ये उस टाइम है जब शाम को आठ बजे वाला जो वीडियो है ना वो मैंने अपलोड करने के बाद कल दिन में क्या है शाम का कोई वीडियो आया नहीं था तो रात वाला वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी डाल दिया था छः बजे और छः बजे डालने से मतलब है ना व्यूज़ अच्छे आते हैं क्योंकि तब तक है ना व्यूवर बैठे रहते हैं और उसके बाद कम होने होने होते जाते तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था ना उस टाइम आठ बजे साढ़े आठ बजे नौ लाख अस्सी हज़ार सब्सक्राइबर्स घमू सारण पर हो रखे थे और यहाँ पर ये बच्चा आया है मेरे से कुछ शिकायतें करना हाँ ये शिकायतें कर रहा है कि सब्ज़ियाँ मत डालना पुलाव में मैंने कहा मैं ऐसे करूँगी सब्ज़ियाँ पका के ऊपर से चावल डाल के पानी डाल दूँगी मिक्स नहीं करूँगी और फिर बाहर निकालूंगी ना तो फिर पहले तेरे से चावल निकाल दूंगी और फिर सब्जियाँ हमारे लिए हम मिक्स कर लेंगे तो ये ऐसे ऑर्डर देकर यहाँ से गया है तो रात को साढ़े आठ बड़े आड़ लाख नौ लाख अस्सी हज़ार सब्सक्राइबर्स हो रखे थे और उसके बाद अब आज हो जाएंगे वन मिलियन कितने बजे होंगे मैं बता दूँ एक दो बजे हो ही जाएंगे और इस तरह जो है हमारा रात वाला वीडियो भी बहुत अच्छा अच्छा चला था और ये बच्चा अभी मुझे कन्विंस कर रहा है कि आईफोन लेकर आओ मतलब इसके आप लोग मम्मा को कह दो कि आईफोन खरीद ले क्वालिटी अच्छी नहीं आती है इस तरह आईफोन से हो जाएगा मतवाला yes. आईफोन से मतवाला हो जाएगा yes. कितना वार। कितना बताओ

तो ये है कुछ तेजस के बड़े बड़े से सपने इसको आईफोन लाने हैं वैसे भाई अब लाना ही पड़ेगा क्योंकि जो मिनी ब्लॉग्स हैं उन पे जो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आती बहुत ज़्यादा शिकायतें आती है खर्चा तो करना ही पड़ेगा मैं सोच रही थी आ, मतलब मैंने सजेशन लिया मेरे भाई से तो उन्होंने कहा छोटे वाले ने कि आईफोन फोन थर्टीन या फिर फोर्टीन दोनों में से एक ले लेना जो भी तेरे बजट में बैठे क्योंकि थर्टीन आ जाएगा लगभग सिक्सटी थ्री सिक्सटी टू में और फोर्टीन अस्सी में आ सकता है तो इस तरह मैं देख रही हूँ कि सत्रह अठारह हज़ार रुपये ज़्यादा कौन खर्च करे अपने को तो कोई वो है नहीं कि इससे थोड़ा जो है एटीट्यूड दिखाना हो या दिखावा करना हो मुझे बस अपने वीडियो की क्वालिटी चाहिए तो मैं सोच रही हूँ थर्टीन ही ले लूँगी लेकिन जो भी है आज शाम को आपको सब कुछ बता दूँगी या फिर कल का वीडियो आ ही जाएगा क्योंकि मैंने पहले से तैयारी सब कर रखी है सब फिक्स कर रखा है तो ये सारे काम होने वाले हैं क्योंकि भाई वीडियो के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा सिर्फ आते ही आते रहेंगे ख़र्चा नहीं करेंगे ना तो फिर बाद में है ना डाउन जा सकता है यार फोर्टीन लेंगे ना तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जैसे फोर्टीन अस्सी में आता है तो उसके अलावा भी उसके खर्चे बहुत ज़्यादा है मतलब वो बाकी वाले खर्चे दूसरे वाले के थर्टीन के भी होंगे जैसे कि काइन मास्टर अभी फ्री में नहीं मिल रहा है आईफोन के लिए नॉर्मल फ़ोन के लिए मिल जाता है तो मतलब लास्ट ईयर तो ऐसे कम ही उसकी प्राइस थी एक साल की शायद आठ सौ या ग्यारह सौ ऐसी कुछ रेट थी और अब हो गई है लगभग आठ हज़ार रुपये एक साल के और पर मंथ लेंगे ना तो तो है ना छत्तीस सौ रुपये में आ रहा है तो इतना महंगा जो है हो गया है आईफोन के लिए काइन मास्टर और इसके अलावा आईफोन का वो चार्जर आता है उसके भी हज़ार दो हज़ार अलग से और पता नहीं मतलब एक लाख के आसपास आंकड़ा जाए इससे मैं डरती हूँ कि मैं फोर्टीन ना लूँ यार बॉडर लगता है और फिर सोच रही हूँ कि थर्टी ही ले लूँ लेकिन इसमें स्टोरेज का काफ़ी दिक्कत है हेलो डियर फ्रेंड्स हाँ अभी मुझे बहुत ज्यादा जोश आ चुका है मैं अभी एक मैंने ये टुकड़ा निकाला है ग्रीन कलर का और एक ये इन दोनों से एक ही स्तर इन तीनों से अभी दिव्या के मैं फ्रॉक बनाऊंगी ए लाइन फ्रॉक और ये मैडम का मैसेज आ रहा है तो अभी कभी मैं इसको बना के फिर ही सोँगी अभी बजे हैं शाम के कितने उधर देखने से थोड़ी पता चलता है फ़ोन में देखने से पता चलता है दस बीस अभी काफ़ी जल्दी हो के इतना भी आज लेट नहीं समझ रही हो ना तो बना रही हूँ फ्रॉक या मैं खाना खाते खाते पुलाव रखें और खाऊंगी बैठे बैठे जब भूख लगेगी तब अभी मैं ये काम करती हूँ फिर आपको मिलती हूँ इस ड्रेस को पूरा करने के बाद इसी वीडियो में आई थिंक आई थिंक सो सही हो जाए और हाँ और हाँ आज हमारे एक मिलियन हो जाएंगे घमू सारण पर अब भी जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ ये बोल रही हूँ रात को दस बजकर बीस मिनट पर लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कल रात तक हो जाएंगे यानी आज रात तक जब आप वीडियो देख के रहेंगे फिर हो जाएंगे वन मिलियन तो आप मुझे बहुत सारी बहुत सारी बधाइयाँ दीजिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलिए जो आपका मन है वो अच्छी अच्छी बातें बोलिए ओके तब तो तक मैं अच्छे अच्छे काम करती हूँ ओके तो ये इस ड्रेस का कपड़ा इतना ही मेरे पास अब इसी में से मेरे को बनाना है और मैंने नाप लिया तो लगभग ठीक ही बन गया तो ऊपर वाला मुझे ये काटना है अट्ठारह इंच में और नीचे वाला काटना है इतना एक्स्ट्रा और मैंने क्या किया अब बातों बातों में मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था मैंने ऊपर वाले का नाप लिया चौड़ाई में अट्ठारह इंच लंबाई में मैंने अट्ठाईस इंच इस तरह ले लड़ा के निशान लगाने के बाद ऊपर का काट के अलग करना था फिर नीचे वाले का मतलब आगे से सिलाई विलाई करनी है कुछ बाद में कटिंग होगी तो मैंने ऊपर वाला पार्ट काट के अलग ले लिया और फिर नीचे वाले के जो एक्स्ट्रा कपड़ा अलग लिया ही नहीं उससे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको भी काट लिया बाई काटने के बाद ऐसा लगा जैसे कि शरीर का खून ही सूख चुका है इतना ही कपड़ा है और उसी को मैंने काट दिया तो फिर मैंने कुछ जोड़ तोड़ किया पर यार कपड़ा गलत कट गया और ये बना रही हूँ दिव्या का फ़्रॉक मैंने कहा कैसी जचती है और वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मुझे मैंने कहीं देखा था काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था तो फ्रेंड्स इस तरह है ना नेक्स्ट वीडियो में ये फ़्रॉक पूरी आ जाएगी इस वीडियो में मैंने बनाई लेकिन जो ग्रीन कलर की जो गट्टी है ना धागा वो मेरे पास था नहीं तो मैंने रात को बस इसकी थोड़ी सी सिलाई बाकी छोड़ दी थी तो नेक्स्ट आज ही आएगा इसका तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मुझे आप बधाई दे सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और आईफोन के लिए सजेशन देना बाय